पंजाब च ब्लैक फंगस का हुण कहर वेखण मिल रहा। जी हाँ, ब्लैक फंगस के 111 मामले पंजाब दे विच दर्ज किए गए हैं। सूबा सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू का बयान सामने आया, सरकार ने माहरां की कमेटी गठित कर दी है। कमेटी ब्लैक फंगस के इलाज, अस्पताल और डॉक्टरों बारे सरकार को सलाह देगी। नाल ही तुहानू दस दईए दवाइया की जिस ढंग दे नाल घाट महसूस हो रही है, जड़ा खास टीका एम्फोटेरिसिन भी लगता है ब्लैक फंगस के मरीजों को, उस टीके की भी एक वड्डी घाट वड्डी शॉर्टेज विखाई दिंदी है। अजिहे च जद इलाज की कमी है, सेहत सहूलतों तो सूबा वांझा विखाई दिंदा है, तो चिंतावां तां वधनियां लाजमी हैं। पंजाब च फिलहाल ब्लैक फंगस का कहर जरूर वेखण नूं मिल रहा। 111 मरीज सामने आए हैं। हालांकि लोगों को भी अपील बार बार यही की जाती है कि ब्लैक फंगस को लाइटली ना लिता जाए। अखां चों जेकर कोई पानी रिसदा है, नक चों पानी रिसदा है, खून रिसदा, कोई भी अजिहा कोई सिमटम नज़र आता है, खास तौर पर जोड़े शुगर पेशेंट्स ने उन्होंने वड्डी सावधानी वरतन की लड़ है। तो वाइट फंगस जो कि इस तो भी ज़्यादा खतरनाक है, जोड़ा कि इंटरनल ऑर्गनस के उपर प्रभाव पाता है, सीधा जाके फेफड़ों के उपर मार करता है। अजिहे च पेशेंट्स जोड़े है, जोड़े मरीज ने, मरीजों के जोड़े रिश्तेदार ने, तिमारदार ने, उन्होंने भी इस गल समझ की लड़ है कि यह बीमारी किन्नी भयानक किन्नी खतरनाक है, इसन अणगौलिया नहीं किया जाना चाहिए। सरकार ने माहरां की कमेटी गठित कर दी है जो कि सरकार इलाज, अस्पताल और डॉक्टर बारे सलाह देगी कि की किया जाना चाहिए। हालांकि अग लगी तो खूह पुटना कदे भी सही फैसला साबित नहीं होंदा। अजिही चीज़ों की एक लंबी प्लैनिंग लाजमी होंदी है। भावें ब्लैक फंगस यकदम पैर पसार की विखाई दे रही है पूरे सूबे, पर पंजाब वैसे भी 12-12 पिंड 15-15 पिंड जिथे एक एक डिस्पेंसरी विखाई देती है, उत्थे मरीजों का की हाल होंगे होएगा सहज अंदाजा लाया जा सकता है।